फिल्म के शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट और प्रोफेसर ओलिवर को दिखाया जाता है जिसे शहर के सारे लोग बधाई दे रहे थे क्योंकि उन्होंने एक नया आविष्कार किया था। ओलिवर अब वहाँ से कॉलेज आते हैं जहाँ स्कूल के भी सारे बच्चे ओलिवर को बधाई देते हुए एक स्टूडेंट उन्हें एक उपहार देता है जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स की छुट्टी हो जाती है। तभी एक स्टूडेंट एलेक्स जो क्लास का टॉपर था वो ओलिवर को एक पत्थर देकर कहता है कि मैं पुरानी चीजों की दुकान पर गया था, ये मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने इसे आपके लिए खरीद लिया। ओलिवर अब उसे अपने घर पर बुलाता है जिस पर एलेक मान जाता है और अब एलेक के जाने के बाद ओलिवर उस पत्थर को वजन करने लगता है जिससे उसे लगता है कि इस पत्थर के अंदर कुछ तो है। अब रात को एलेक ओलिवर के घर आता है और दरवाजा उसकी नीज जेनी खोलती है। दरअसल एलेक और जेनी एक दूसरे को पसंद करते थे। अब इसके बाद एलेक ओलिवर के कमरे में जाता है जहां वो एलेक से कहते हैं कि ये पत्थर आइसलैंड के एक वोल्केनो का है जो 400 साल पुराना है और इस पत्थर के अंदर जरूर कुछ तो है क्योंकि उस पत्थर पर इंसान के बनाए हुए 3 निशान है। वो अब उस पत्थर को एक भट्टी में डाल देते हैं जिससे शायद इसके अंदर की चीज बाहर आ जाए, पर तभी वो भट्टी ब्लास्ट हो जाती है जिसके ब्लास्ट होते ही उस पत्थर के अंदर की चीज बाहर आ जाती है जो दिखने में एकदम लट्टू जैसी थी और उस पर कुछ लिखा भी था और वहाँ एक सींग भी थी जिसमें एर्नी का नाम लिखा था। ओलिवर अब कहते हैं कि एर्नी एक साइंटिस्ट थी जो अचानक कहीं गायब हो गई। उन्होंने दरअसल एक नई दुनिया ढूंढी थी पर उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता था। शायद एर्नी जमीन के अंदर की दुनिया की बात कर रहे थे जहाँ कोई इंसान नहीं पहुँचता। मैं अब गोटाबोक को एक लेटर लिखकर सारी बात बताऊंगा क्योंकि किसी भी वोल्केनो में जाने से पहले हमें उनकी अथॉरिटी चाहिए होगी। अब अगले दिन एलेक एक लेटर लेकर आता है जो गोटाबोक के इंस्टीट्यूट से आया था जिसमें लिखा था कि गोटाबोक कुछ दिनों से गायब हो गए, जिससे ओलिवर समझ जाता है कि जो जानकारी मैंने गोटाबोक को दी वो उसी जानकारी से नई दुनिया ढूंढने चले गए। इसलिए ओलिवर एलेक से कहता है कि सवारी का इंतजाम करो, हमें अभी आइसलैंड के लिए निकलना होगा। और अब देखते देखते वो दोनों उस वोल्केनो तक पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें वो पत्थर मिला था। वहाँ उन्हें कुछ कटी हुई लकड़ी दिखाई देती है जिन्हें कुछ समय पहले ही काटा गया था। ये देखकर ओलिवर कहता है कि हमसे पहले यहाँ कोई आया था इसलिए शहर जाकर सारा जरूरत का सामान ले लो, हम भी इसके अंदर ही जाएंगे। इसलिए अब एलेक शहर के लिए निकल जाता है पर गोटाबोक चुपकर उन्हें देख रहा था, जिसके बाद वो अपने घोड़े गाड़ी के ड्राइवर से कहता है कि मुझे होटल ले चलो। अब ओलिवर भी घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर होटल के लिए निकलता है पर उसका ड्राइवर भी गोटाबोक का ड्राइवर था इसलिए अब वो गाड़ी को दूसरी तरफ भगाने लगता है और एक जगह लाकर ओलिवर को एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ एलेक भी पहले से बंद था। वो ओलिवर से कहता है कि शहर की सारी जरूरत की चीजें जिससे वोल्केनो में जाया जा सकता है वो किसी ने 2 दिन पहले ही खरीद लिया, पर तभी उन्हें दूसरे कमरे से बत्तख की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर अब उस बत्तख का मालिक हांस आ जाता है। ओलिवर अब दरवाजे की दूसरी तरफ से उससे मदद मांगता है इसलिए अब हांस दरवाजा खोलकर उन्हें वहां से बाहर निकालता है जहां ओलिवर उससे सवाल करता है कि क्या तुम हमारी टीम में शामिल हो गए, जिस पर वो मान जाता है। जिसके बाद वहाँ से होटल आते है जहाँ फिर ओलिवर काउंटर पर बैठी एक फीमेल से सवाल करती कि क्या गोटाबोक यहाँ रुके थे, जिस पर फीमेल हाँ में जवाब देती है लेकिन वो उन्हें उस कमरे में जाने से मना भी करती है। पर फिर भी वो सभी गोटाबोक के कमरे में आ जाते है जहाँ सारी जरूरत की चीजें थी। तभी दूसरे कमरे में एलेक को गोटाबोक का शव मिलता है और उस शव की दाढ़ी से पोटेशियम साइनाइड के टुकड़े मिलते हैं जिससे देखकर ओलिवर समझ जाता है कि कोई गोटाबोक का भी दुश्मन है जो उसे इस सफर पर नहीं जाने देना चाहता इसलिए उसने इन्हें मार दिया। अब होटल में गोटाबोक की पत्नी काला आ जाती है जहाँ काउंटर की फीमेल उसे खबर करती है कि आपके पति की मृत्यु हो गई है, जो सुनकर वो दुखी हो जाती है। ओलिवर अब वहाँ आकर फीमेल से सवाल करता है कि गोटाबोक के साथ कौन आया था, जिस पर वो जवाब देती कि एर्नी के परिवार के 2 सदस्य उनके साथ यहाँ रोज आते थे जो साथ में ही काम करते थे। ओलिवर अब काला से सवाल करता है कि क्या मैं गोटाबोक के सामान का प्रयोग कर सकता हूँ, पर वो इस पर मना कर देती है। अब काला जब गोटाबोक के कमरे में जाती तो वहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिसमें गोटाबोक ने लिखा था कि एर्नी परिवार के 2 सदस्य नहीं चाहते कि मैं उस दुनिया को ढूंढूं। अब ये पढ़ने के बाद वो ओलिवर और एलेक को कमरे में बुलाकर कहती कि तुम गोटाबोक का सामान प्रयोग कर सकते हो पर इसके लिए तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि जो मेरे पति ढूंढना चाहते थे मैं उसे पूरा करके रहूंगी। इसलिए अब सभी उस वोल्केनो के पास आ जाते हैं और तभी सूरज से आ रही रोशनी एक तरफ इशारा कर रही होती है
जिसे देख ओलिवर कहता है कि शायद वहीं से अंदर जाने का रास्ता होगा, इसलिए अब सभी उस ओर बढ़ने लगते हैं। पर वहीं दो अनजान लोगों की नजर उन पर थी जो उन्हें ही फॉलो कर रहे थे। वहीं कुछ दूर पहुंचने के बाद ओलिवर एक जलती हुई लकड़ी नीचे फेंकता है, पर वो लकड़ी बहुत नीचे जाकर गायब हो जाती है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद ये गलत रास्ता है। पर तभी हांस की बतख एक छोटे रास्ते से अंदर घुस जाती है, इसलिए अब हांस भी उसके पीछे जाकर सभी से कहता है कि यहाँ से आगे जाने का रास्ता है। इसलिए अब सभी उस छोटे रास्ते से अंदर आ जाते हैं, और जब वो आगे बढ़ ही रहे होते कि तभी एक विशाल पत्थर उनके पीछे पड़ जाता है, जिनसे बचते हुए वो भागने लगते है और आखिर में एक जगह छिप जाते हैं, जिसके बाद फिर अंत में वो पत्थर गिरकर टूट जाता है। तभी फिर वहाँ ओलिवर को वैसा ही तीन निशान दिखाई देते है जैसा कि पत्थर से मिली चीज पर था। ओलिवर कहता है कि आरानी ने शायद हर जगह निशान लगाया है ताकि कोई और आसानी से वहाँ तक पहुँच सके, इसलिए वो उस निशान वाले रास्ते की ओर बढ़ जाते है, पर कुछ समय बाद थक जाने के कारण वही सो जाते है। अब वो दो आदमी जो उनका पीछा कर रहे थे उन्हें दो रास्ता दिखाई देता है, जिसमें एक तरफ निशान बना था, पर वो वहाँ के निशान को मिट्टी से छुपा कर दूसरे रास्ते पर वैसा ही निशान बना देते। अब उठने के बाद वो सभी आगे बढ़ते जहाँ उन्हें भी वही दो रास्ते मिलते, और जिस रास्ते पर उस आदमी ने निशान बनाया था उसी रास्ते से अंदर जाते। लेकिन आगे बढ़ते ही एलेक नीचे गिर जाता है, पर भाग्य से वो सभी रस्सी की मदद से एक दूसरे से बंधे थे, इसलिए वो सही समय पर एलेक को ऊपर खींच लेते। कार्ला फिर से उसी दो रास्ते की तरफ आती है जहाँ उसे सही निशान दिखाई देता है जिसे मिट्टी से छुपाया गया था, इसलिए अब बाकी उसी रास्ते निकल जाते। पर अब उन्हें लगता है कि यहाँ कोई और भी है जो उन्हें आगे जाने नहीं देना चाहता। तभी फिरान सभी को आवाज लगाकर बुलाता है, क्योंकि जहाँ एले गिरा था वहाँ कई सारे हीरे और एक खूबसूरत झरना भी था, इसलिए अब सभी उस झरने में नहाने लगते। पर जब एलेक नहाकर आगे जा रहा होता तो उसकी लाइट एक होल में गिर जाती है, और जब वो उस लाइट को लाने होल के अंदर जाता है तो वहाँ से बाहर आने के बाद वो रास्ता भूल जाता है। इधर ओलिवर उन हीरे में से एक हीरा निकाल लेता है, जिसकी निकलते ही अब वहाँ से बहुत सारा पानी आने लगता है, और अब देखते ही देखते पूरी जगह पानी में डूब जाती है, जिससे अब बचने के लिए वो सभी एक पत्थर से लटक जाते है। पर जिस पत्थर से काला लटकी थी वो टूटकर गिर जाता है, पर सही समय पर ओलिवर उसे बचा लेता है, और अब पत्थर के गिर जाने की वजह से ऊपर रास्ता बन जाता है, इसलिए अब हंस ऊपर जाकर बाकी को भी ऊपर खींच लेता है, पर एलेक उन्हें कहीं नजर नहीं आता। इधर एलेक सभी को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है, पर तभी एक पत्थर टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन भाग्य से वो गिरने से बच जाता है। वहां से अब आगे बढ़ने पर वो एक जगह आता है जहाँ काफी गर्मी थी, इसलिए अब अपनी शर्ट उतार कर लाइट और बाकी सामान को शर्ट से बांधकर आगे बढ़ने लगता है। जहाँ से अब आगे बढ़ने पर वो नमक के ढेर के पास आ जाता है, लेकिन तभी उसकी शर्ट जिसमें सामान था वो अचानक नीचे गिरने लगती है, और जब एलेक उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो खुद नीचे गिर जाता है। तभी फिर वहाँ जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे उसमें से एक आदमी काउंट आ जाता है, जिसे देख कर एलेक समझ जाता है कि यही आर्नी के परिवार में से जिसने गोडबा को मारा है। काउंट अब उसे कहता है कि तुम्हें खाना और पानी चाहिए तो मेरे बैग में से ले लो। पर अब जब एलेक उसे लेने जाता है तो वहाँ काउंट का साथी मृत अवस्था में मिलता है, जिस पर फिर काउंट कहता है कि ये बुजुर्ग होने के कारण इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी इसलिए ये मर गया, इसलिए अब तुम्हें मेरा सामान लेकर आगे बढ़ना है। पर एलेक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, जिस गुस्से में अब काउंट उसके हाथ पर शूट कर देता है। पर अब गोली की शोर सुनकर ओलिवर और बाकी उस आवाज की तरफ बढ़ने लगते है, जहाँ पहुंचने पर उन्हें एलेक घायल अवस्था में मिलता है। काउंट अब उन्हें गन दिखाकर धमकी देता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और हांस को मुझे दे दो जो मेरा सामान उठाएगा। पर ओलिवर होशियारी से नमक काउंट की आंख में डालकर उससे गन छीन लेता है। कार्ला अब कहती है कि तुमने मेरे पति को मार दिया इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी, जिस पर अब ओलिवर उसे गन दे देता है, पर उसे शूट करने की हिम्मत नहीं होती और ओलिवर भी उसे शूट नहीं कर पाता। काउंट अब कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो, जिस पर वो मान जाते है। अब आगे बढ़ने पर काउंट को कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है, इसलिए वो सभी को लाइट बंद करने को कहता है, और अब लाइट्स के बंद होते ही वो जगह एकदम से चमकने लगती है। काउंट अब अपना हाथ दिखाता है जिसमें वो चमकीली चीज लगी थी, जहां अब ओलिवर कहता है कि ये एल्गे का एक फॉर्म है जिसमें ल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल जुगनू की तरह काम करेगी, इसलिए अब हमें लाइट की जरूरत नहीं है। आप सभी इसकी मदद से आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें अब कई सारे छोटे बड़े मशरूम दिखाई देते हैं, जिसे देखकर सभी एकदम हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वहां आराम करते हैं। पर हांस बड़े मशरूम की लकड़ियां काट रहा होता है, जिस पर अब ओलिवर काला से सवाल करता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर अब वो जवाब देते कि हांस सामने दिख रहे रास्ते से आगे गया था और वहां से आने के बाद वो लकड़ियों से नाव बनाने लगा। अब जब ओलिवर उस रास्ते
रास्ते से आगे जाता है तो वहाँ उसे एक खूबसूरत समुंदर दिखाई देता है और वहीं काउंट भी खड़ा था। पर तभी वहाँ डायमेट्रोडॉन जीव जो विलुप्त हो चुका था वो वहाँ जाता है, जिसे देख कर वो दोनों पानी में भाग जाते है, इसलिए फिर वो वहाँ से चले जाता है। अब उसके जाने के बाद दोनों फिर से सभी के पास आकर नाव को समुंदर के पास ले जाने लगते है। पर अब वहाँ कई सारे डायमेट्रोन आ जाते हैं जो उनकी ही तरफ बढ़ रहे थे, जिसे देख कर वो सभी भागने लगते है। पर तभी काला का पैर नाव में लगे रस्सी में फंस जाता है, इसलिए सभी तुरंत उसे बचाने आते हैं और हांस फिर एक भाले को डायमेट्रोन के मुंह पर फेंकता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब बाकी डायमेट्रोन उसे खाने लगते है, जिस मौके का फायदा उठाकर वो सभी समुन्द्र में उतर जाते है। पर तभी उनके लोहे के सारे सामान एक तरफ खींचने लगती है, जिस पर अब ओलिवर सभी को बताता है कि हम धरती के सेंटर में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर और दक्षिण की मैग्नेटिक फोर्स एक साथ मिल रही है, जिसके बाद अब उनकी नाव समुन्द्र में बने एक बाउंडर में घूमने लगती है और फिर वो लहरें उन्हें जहाँ से वो आए थे उसकी दूसरी ओर भेज देती है। आप सभी देखते देखते एक बीच पर आ जाते हैं, जहाँ बैले कहता है कि हमने कर दिखाया, हम धरती के सेंटर से होकर वापस आ गए। पर अब हंस कहता है कि हम वापस कैसे जाएंगे, जिस पर ओलिवर कहता है कि थोड़ी देर आराम करने के बाद सोचेंगे। लेकिन हंस की बतख वहाँ से आगे बढ़ जाती है, जिसके पीछे काउंट लग जाता है। हंस अब जब अपने बतख को देखता है तो उसे वो कहीं नजर नहीं आती, इसलिए अब वो अपने बतख के पैर के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ फिर उसे किसी और के पैर के निशान भी दिखाई देते हैं। अब वहाँ जाने के बाद उसे अपनी बतख का पैर दिखाई देता है, जिसमें खून लगा था और वहीं काउंट भी खड़ा था। हांस अब उसे मारने आगे बढ़ता है, पर तभी बाकी सभी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ अब काउंट ओलिवर से कहता है कि हांस को दूर करो, मुझे भूख लगी थी। पर जैसे ही अब इस गुस्से में हांस उसे मारने आगे बढ़ता है, एक विशाल पत्थर काउंट के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब पत्थर गिरने के साथ वहाँ उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है, जिसकी अंदर पर उन्हें अटलांटिस शहर नजर आता है, जो हजारों साल पहले धरती के नीचे चला गया था। वो सभी अब अटलांटिस को एक्सप्लोर करने लगते हैं, पर तभी उन्हें वहाँ आरानी का स्केलेटन दिखाई देता है। वहाँ बेलक को उसका बैग भी मिलता है, जिसमें बारूद था। वहीं वो स्केलेटन अपनी उंगली से किसी तरह इशारा कर रहा था, और जब सभी वहाँ जाते तो वहाँ से तेज हवा आ रही थी, जिस पर अब ओलिवर कहता है कि ये वोल्केनो की चिमनी है, जो सीधे वोल्केनो के ऊपर जाती है, यहीं से हम बाहर भी जा सकते हैं। वो अब हंस से कहता है कि तुम ऊपर जाके देखो कि किस तरह हम ऊपर जा सकते हैं। और फिर अंदर जाने के बाद जब हांस बाहर आता है तो वो सभी से कहता है कि ऊपर रास्ता है, पर बीच में कई सारे पत्थर भी है जो रास्ते को रोके हुए है, जिन्हें हटाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तभी फिर ओलिवर को एक आइडिया आता है, वो सभी को बताता है कि हम आरानी के बैग के बारूद का प्रयोग करके उन पत्थर को उड़ा देंगे, जिससे हम यहाँ से निकल सकते है। इसलिए वो उस बैग को पत्थर के ऊपर रख देते है और फिर एक रस्सी को उस बैग से बांध कर वहाँ से दूर आ जाते है। और फिर वो बड़े से पत्थर के कटोरे में बैठकर रस्सी में आग लगाते हैं, पर वो आग थोड़ी दूर जाने के बाद बुझ जाती है, इसलिए अब ओलिवर फिर से आग जलाने जाता है। पर तभी एक खतरनाक लाल रंग की चिपकली ओलिवर का पैर पकड़ लेती है। एलेक और हांस अब उसे कैसे तो बचाकर वापस लाते हैं और फिर आग लगाकर फिर से उस कटोरे में बैठ जाते हैं, जिसके बाद फिर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे रास्ता खुल जाता है। पर धमाके के कारण वहाँ भूकंप भी आने लगता है, जिससे अब वो वोल्केनो भी फटना शुरू हो जाता है, जिससे लावा बाहर बहने लगता है। अब जब लावा फोर्स में जमीन से बाहर आता है तो उसकी मदद से वो सभी ऊपर आने लगते हैं और वहाँ से निकलने के बाद वो एक समुंदर में पहुँच जाते हैं, जहाँ कुछ मछुआरे उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। पर एलेक पहले ही कटोरे से बाहर आ गया था, इसलिए वो और दूर समुंदर के बाहर एक चर्च के पास आ गिरता है और उसका कपड़ा फटा होने की वजह से वो झाड़ियों से अपने बदन को छिपाता है, जिसके बाद वो सिस्टर से कुछ कपड़े की मदद मांगता है, पर उन्हें उसकी भाषा जरा भी समझ नहीं आती। अब मूवी के आखिरी सीन में सभी को नेशनल हीरो की तरह सम्मानित किया जाता है, जहां ओलिवर सभी को प्रोत्साहित करता है कि जो हमने ढूंढा उससे भी अच्छा आप सभी ढूंढ सकते हो, इसलिए हार कभी नहीं मानना। वहीं अब काला ओलिवर से कहती कि अब मैं जा रही हूँ, पर वो कहता है कि तुम हमारे साथ काम कर सकती हो, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से किस शेयर करते हैं, क्योंकि एडवेंचर के दौरान दोनों भी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, जिनका प्यार देखकर बाकी सब भी खुश हो जाते हैं, जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।